नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लाया हूँ एक अच्छा सा एक टॉपिक जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दी ही हार मान जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हुई नहीं, छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस बारे में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि कैसे लाइफ को आगे आप बढ़ा सकते हैं। मैं कृष्णकांत सिन्हा, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इतना ज़्यादा तो अच्छा बोल भी नहीं पाता हूं, शायद आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबाइएगा। दोस्तों, हम लोग हार ज़्यादा जल्दी ही मान जाते हैं, उनमें से आप हो सकते हो। दोस्तों, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों के लाइफ में। अभी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। लाइफ क्या करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपॉर्चुनिटीज हम लोग को देता है, हम लोग उसे करते हैं, फेल हो जाते हैं, करते हैं, फेल हो जाते, दो तीन बार फेल हो जाते हैं, फिर हम उसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उस फील्ड में हम लोग एक्सपर्ट नहीं हो पाते, या फिर वो फील्ड हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता, या फिर हम जो चाहते हैं वहाँ से नहीं मिलता। दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आगे बढ़ना है। एक मंदिर में एक मूर्ति, मंदिर में तो मूर्ति है, तो उस मंदिर में टाइल्स वगैरह वहाँ पर बिछाया हुआ था, तो सब मूर्ति भी मार्बल पत्थर का बना हुआ था, टाइल्स भी मार्बल का होता है। तो एक दिन क्या हुआ, रात को जब सब लोग सो गए तो जो टाइल्स जो नीचे बिछाया गया था मंदिर के नीचे, वो मूर्ति से पूछ रहा था, हे मूर्ति, तुम भी टाइल्स से बने हो, मैं भी टाइल्स से बना हूँ, तुम भी जहाँ से खोदे गए थे मैं भी वहाँ से खोदा गया हूँ, लेकिन डिफरेंस क्या है तुम में और मुझ में, कि तुमको लोग पूजते हैं और मुझे पैरों तले कुचलते हैं। दोस्तों, तो मूर्ति ने तब हंस हंस के बोला, अरे भैया, इसमें कोई शौक है ना कि चीज़ नहीं है, ये सिंपल सा फंडा है। तुम देखो, तुमको जब हथौड़ा और छेनी से जब तुमको छेदा गया तब तुम जल्दी से टूट गए, इसलिए तुम नीचे बिछाने के लिए टाइल्स बन गए। मुझे बहुत बार छेदा गया, आँखों के लिए छेदा गया, नाक, कान, मुंह, आपका पेट, हाथ, पाँव, सब के लिए मुझे छेदा गया, इतना छेदा गया, फिर भी मैं टूटा नहीं हूँ, मैं वही डटा रहा हूं, इसलिए लोग मुझे पूजते हैं। दोस्तों, तो इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, आना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रॉब्लम्स आना, तो इसको आपको इससे निकलना है, आपको इसको डर को एक किताब में मैंने पढ़ा था कि डर जो होता है उसको अपने जेब में रखो, जेब में डर को अगर आप जेब में रखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, कभी आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़ना जरूरी है, जब से मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अभी मोटिवेशनल बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिया हुआ है, मैंने जितने सारे बुक्स पढ़े हुए उन सब का वो आप पढ़िए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस बातों से आप लोग कम थोड़ा सा सीख तो लेंगे, आपका अगर कुछ लाइफ में थोड़ा सा अगर चेंजेस आ जाता है, थोड़ा अगर आपकी परिस्थितियों में सुधार आ जाता है, तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आता है, वो आता है, बार बार फेल होते हैं, शायद आपने भी वो सब होंगे। तो मुश्किलें जब जिसको ज़्यादा आता है तो वही सक्सेस बनता है, मुश्किलें जिसके लाइफ में ज़्यादा आता है तो वही सक्सेस बनता है, क्योंकि उसको ना वो मतलब डायमंड जो होता है ना, आपने डायमंड तो देखा होगा, वो बनता है कोयले से, उसको कोयले को एकदम प्रेशर मिट्टी के नीचे, वो प्रेशर में रह रह के उसके बाद कोयला हीरा का जैसा वो बनता है एक, वो उसको आकर फिर उसको ऐसे 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 सेव करके उसको मतलब घिसते वो डायमंड बनाते हैं। दोस्तों, तो प्रेशर को आएंगे लाइफ में, मतलब आपके लाइफ में प्रेशर आ रहा है मतलब आप सफल बनोगे, आप सक्सेस बनोगे, ये याद रख लो। प्रेशर अगर आ रहा है तो आप सफल बनोगे ही, ये 100% गारंटी। आपके लाइफ में ज़्यादा मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, तो मतलब आप सक्सेस बनोगे, ये ध्यान में रख लो, आप सफल बनोगे, बस उसको ओवरकम करो, उसको छोड़ के आगे निकलने की सोचो। तो इसके लिए दिमाग को ना थोड़ा सा खिलाना पड़ता है, दिमाग को खिलाने के लिए आप बुक्स पढ़िए, लिंक्स में मैंने दिए हुए हैं वो सब पढ़िए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ
वीडियो इसलिए लाता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता, पूरा बुक्स बताऊँगा तो एक दिन निकल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। ये बुक्स का जो चीज़ें होती है इससे हम लोग का दिमाग का कंडीशनिंग हो जाता है, दिमाग का मतलब साफनेस आ जाता है, तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम सोच सकते हैं, डिप्रेशन कभी हम लोग लाइफ में नहीं आएगी दोस्तों। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक बटन जरूर दबाइएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा सॉरी, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।